गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 7। द चैप्टर इज माय द फैमिली। नाउ फर्स्ट इज द वर्ड्स मीनिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवीजन में वर्ड्स मीनिंग एंड ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही बताऊंगी, तो सिर्फ आपको वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स ही लर्न करने हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। YOUNGER, यंगर। यंगर मीन्स क्या होता है? छोटा। यंगर मीन्स छोटा। NUCLEAR, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मीन्स होता है एकल परिवार। एकल परिवार जो सिंगल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है COUSINS, कजन्स। कजन्स मीन्स चचेरे भाई या बहन। HOUSE, हाउस। HOLD, होल्ड, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स होता है गृहस्थी। GROCERIES, ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज मीन्स होता है किराने का सामान। क्या? किराने का सामान। नेक्स्ट है GRANDS, ग्रैंड। CHILDREN, चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स नाती पोते। फिर है EXTENDED, एक्सटेंडेड। FAMILY, फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स विस्तृत परिवार, है ना, जो एक ही परिवार के सदस्य जो होते हैं अलग अलग जगह रहते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें बोल रहा आप एक्सटेंडेड फैमिली की मीनिंग बताइए कि इसे क्या कहते हैं। आंसर इज एन एक्सटेंडेड फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रेन हु लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स, है ना, जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड चिल्ड्रन हो लिव टू एट डिफरेंट प्लेस। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, अंकल आंट अलग रह रहे हैं, है ना, अंकल आंट और उनके बच्चे अलग रह रहे हैं, या फिर बड़े हो गए हैं, आप हैं, आपके पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, आपके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, आप बड़े हो चुके हैं और बाहर पढ़ने गए हैं, तो इस तरह से अलग रह रहे हैं। इस तरह से फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? आंसर, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एकल फैमिली मीन्स एक छोटा परिवार कहलाता है जिसमें कि उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? आंसर इज अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। एक ही परिवार में, जॉइंट फैमिली मीन्स क्या होता है, एक ही परिवार में आपके एक ही घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स, है ना, आप और आप, तो ये सब एक ही हाउस में रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली डू यू हैव। आपकी फैमिली किस प्रकार की फैमिली है? आंसर इज आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरी फैमिली जो है वह एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है। क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। आपके पेरेंट्स घर पर आपकी कैसे हेल्प करते हैं? आंसर इज वी हेल्प अवर पेरेंट्स एट अवर होम इन कुकिंग फूड, कीपिंग द हाउस क्लीन एक्सेट्रा, है ना। हाउ डू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, तो आपकी पेरेंट्स घर में कैसे मदद, क्या क्या मदद करते हैं या कैसे मदद करते हैं? तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, हम खाना बनाने में, है ना, सामान को अच्छे से रखने में और हाउस को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्स यू विथ योर स्टडीज़। आपको पढ़ाने में कौन हेल्प करता है, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प कौन करता है? आंसर इज आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन आवर स्टडीज़। मेरे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे स्टडीज़ में हेल्प करते
Okay, students. So this is a revision video. This video is completed. तो आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना और लर्न करना है. Okay? Thank you everyone. Have a nice day.